बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू तालीम-उल-इस्लाम हाई स्कूल भलवाल ऑनलाइन क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल विल बी फाइन। जी स्टूडेंट्स, सब बच्चे जल्दी से मुझे बताएं व्हाट इज़ डे टू डे, आज क्या दिन है? वेरी गुड स्टूडेंट्स, सब बच्चों को मालूम है आज वेनसडे है। जी आज क्या दिन है? वेनसडे। जी हरी अप, टेल मी अबाउट व्हाट इज डेट टू डे, आज डेट क्या है? जी स्टूडेंट्स, वेरी गुड, आज क्या है? 14 अप्रैल है। नेक्स्ट क्या है साथ में क्या बच्चों है? फर्स्ट रमज़ानुल मुबारक है। जी सब बच्चों को मेरे तरफ से रमज़ान की बहुत बहुत मुबारक हो। नेक्स्ट आप देखिए हमारी अच्छी बात क्या है, सहरी में बरकत, सहरी खाओ क्योंकि सहरी खाने में बरकत है। जी सब बच्चों के लिए क्या बात है, यहाँ पर क्या बताया गया, यानी कि सहरी करनी चाहिए सबको क्योंकि सहरी खाने में बरकत है। यकीनन अल्लाह और उसके फरिश्ते सहरी खाने वालों पर दुरूद भेजते हैं, यानी कि अल्लाह ताला को ये चीज़ बहुत पसंद है कि जब भी हम रोज़ा रखें तो उससे पहले हम क्या करें, सहरी ज़रूर करें। ऐसा नहीं करना चाहिए कि चले हम उठते ही नहीं हैं, सहरी के बगैर ही रोज़ा रख लेंगे, तो ये चीज़ अल्लाह ताला को सख्त नापसंद है। तो आपने सब कोशिश किया करें कि सहरी रख करके फिर रोज़ा रखें, या नहीं भी रोज़ा रखें तो भी सहरी लाजमी करें। जी हरी अप टू क्लास, जल्दी से अब आप साइंस की बुक ओपन कर लें सब बच्चे मेरे साथ, जल्दी से ओपन करें साइंस की बुक जिसमें हम लेसन नंबर 1 इन्वायरमेंट पढ़ रहे हैं, उसकी हम बुक रीडिंग कर रहे हैं। हमने लेसन पेज नंबर 1 एंड पेज नंबर 2 की बुक रीडिंग कर ली है। नेक्स्ट हमने पेज नंबर 3 की बुक रीडिंग भी कर ली है जिसमें हम पढ़ रहे हैं नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में। किसके बारे में पढ़े हैं? नॉन लिविंग थिंग्स इन अ नेचुरल इन्वायरमेंट, यानी कि कुदरती माहौल में गैर जानदार चीज़ें। इसमें सबसे पहले हमने वाटर के बारे में पढ़ा था, आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? सॉइल के बारे में, यानी कि मिट्टी के बारे में। सॉइल प्रोवाइड्स प्लांट्स विद न्यूट्रिएंट्स एंड एंकर्स देम इन द ग्राउंड। सॉइल प्रोवाइड्स प्लांट्स विद न्यूट्रिएंट्स एंड एंकर्स देम इन द ग्राउंड। प्लांट्स एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल यूजिंग देयर रूट्स। सॉइल इज होम टू मैनी एनिमल्स। आपने यहाँ पे क्या करना है, डेट मेंशन करनी है। यहाँ पे आपको क्या बताया जा रहा है कि जो सॉइल यानी कि मिट्टी है वो क्या करती है, पौधों को बहुत सी गजाइत फ्राहम करती है जो कि वो ज़मीन से हासिल करती है। और दूसरा क्या है, प्लांट्स एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स, और वो क्या करती हैं, प्लांट्स क्या करते हैं, ज़मीन से जज्ब करते हैं पानी को और मादनियात को। फ्रॉम द सॉइल यूजिंग देयर रूट्स, अपनी जड़ों को इस्तेमाल करते हुए, यानी कि जब भी कोई प्लांट होते हैं, जैसे कि ये देखें प्लांट है, इसकी जो रूट्स हैं वो मिट्टी के अंदर होती है ना, तो इन रूट्स के ज़रिए क्या होता है, जो पौधा होता है वो पानी भी अपने अंदर जज्ब करता है, गजाइत भी लेता है मिट्टी से और मादनियात भी मिट्टी से लेता है। सॉइल इज़ होम टू मैनी एनिमल्स, जो और नेक्स्ट क्या बात है, जो मिट्टी है इसके अंदर बहुत से जानवरों का घर होता है, जैसे कि रैबिट है वो भी मिट्टी के अंदर रहता है, कीड़े मकोड़े हैं वो भी मिट्टी के अंदर रहते हैं, जैसे कि स्नेक है वो भी मिट्टी के अंदर रहता है, और भी बहुत से ऐसे एनिमल्स हैं जो कि मिट्टी के अंदर रहते हैं। इसलिए क्या है, मिट्टी बहुत से जानवरों का घर है। आपने क्या करना है, सॉइल की बुक रीडिंग याद करनी है और प्रीवियस बुक रीडिंग भी साथ साथ में बच्चों रिवाइज करते रहा करें ताकि आपको वो भूल ना जाए। तो आप यहाँ पे डेट मेंशन कर दें 14/4। नेक्स्ट देखिए आपके पास क्या है, लेसन नंबर 1 पेज नंबर 3 पे आपने क्या करना है, बुक रीडिंग लर्न करनी है। साथ में आपके पास जो प्रीवियस आपको मैंने वर्ड्स मीनिंग करवाए थे वो भी आपने याद करनी है। थैंक यू, सी यू, अल्लाह हाफिज़, गुड बाय स्टूडेंट्स।